Hey guys, welcome back to my channel Tipsy Bong Travelers. मैं श्रेया, आप मुझे देख रहे हैं एक फूड टूर वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आपके मूड को और भी अच्छे करने के लिए लेके आई हूँ एक कोरियन फूड टूर। जी हाँ, जो मेरे फूड टूर्स या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मुझे कोरियन फूड काफी पसंद है। तो मैं आज इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगी कोलकाता की वन ऑफ द फेमस कोरियन कैफेज, जहाँ पे बेकरी आइटम्स इज टू डाई फॉर, और उनके खाने भी बहुत फेमस है, कोरियन खाने जो आपको टिपिकली सब जगह पे नहीं मिलेंगे। सो चलिए, बने रहिए इस वीडियो में। आपको मैं दिखाती हूँ किंग्स बेकरी, जो न्यू टाउन में है, एक्शन एरिया 3 में। एक्चुअली मैं फिर से एक बात बोल देती हूँ, किंग्स बेकरी की काफी सारी आउटलेट्स है, पर आज मैं जो कवर करूंगी वो है रोजडेल प्लाजा में, जो एक्शन एरिया 3 न्यू टाउन में है। तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं इस कोरियन फूड एक्सपीरियंस को। पहुंच गए किंग्स बेकरी, इनके काफी सारे आउटलेट्स हैं। आज मैं आई हूँ रोजडेल प्लाजा एक्शन एरिया 3 न्यू टाउन में। दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेस्टोरेंट, उनके दूसरे आउटलेट जो है रेस्टोरेंट्स है। रेदर दिस किंग्स बेकरी आउटलेट इज अ काउंटर इनसाइड अ फूड कोर्ट इन रोजडेल प्लाजा न्यू टाउन। आपको लाइक एनी अदर फूड कोर्ट इस काउंटर में ऑर्डर एंड बिलिंग पहले कर लेना होता है एंड द फूड विल बी सर्व्ड एट टेबल। This place is owned by Korean owner and they are offering some of the best Korean bakery and food items in the city of Joy, Kolkata. As you can see in the display, so many bakery items they are offering. So, आप इंटीरियर तो देख ही लिए कैसा है, सो चलिए देखते हैं मेन्यू में क्या है और क्या चीजें वो ऑफर कर रहे हैं यहाँ। By the way, इनके ये क्यूट कोरियन डॉल्स ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ही क्यूट है। ये है साउथ कोरियन किंग्स बेकरी की मेन्यू। काइंडली पॉज करके सही से आइटम्स के नाम और प्राइसेस आप देख सकते हैं। आई रियली लाइक दे हैव गिवन पिक्चर्स ऑफ द डिश, समझने में इजी होती है। यहाँ मुझे दो चीज बहुत ही पसंद आई, इनके किम्बाब्स एंड स्टार्टर आइटम। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि ये आपके सामने ही फ्रेश खाना बना के देंगे एंड 10 मिनट में ऑर्डर आपके टेबल में आ जाती है। By the way, sorry to interrupt, अगर आपको हमें Facebook या Instagram में follow करना है हमारी daily updates देखने के लिए, you can follow us @TipsyBongTravelers. यहाँ मेन्यू में कुछ सारे पास्ता आइटम्स भी है, जो लोग कोरियन पसंद नहीं करते हैं वो पास्ता खा के भी खुश रह सकते हैं यहाँ पे। बट सबसे इंटरेस्टिंग है उनका बेकरी सेक्शन, मैं जरूर कुछ ऑर्डर करूंगी यहाँ से। काफी सारे फूड ऑप्शन देख लिए, ऑथेंटिक है या नहीं ये तो कोरिया जाके ही पता चल सकता है, बट आई फील टेस्ट में अगर अच्छी है देन किंग्स बेकरी इस रीजन के लिए शायद मेरी फेवरेट हो भी सकती है। सो चलिए कुछ ऑर्डर करके पता करते हैं। पहले मैंने ऑर्डर किया है क्रीमी अनियन फ्राइड चिकन प्राइस्ड एट 375। KFC की पॉपकॉर्न चिकन जैसी फ्राइड बोनलेस चिकन, उसके ऊपर हल्की स्वीट व्हाइट सॉस, साथ में रॉ अनियन जो थिनली स्लाइस दिया गया है। प्रेजेंटेशन वाइज अच्छी है, ये ऑथेंटिक है या नहीं मुझे पता नहीं, बट खाने में अच्छी है एंड दैट्स ऑल मैटर्स। आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है इनका टूना गिम्बाप, विच कम्स विद डार्क विनेगर स्प्रिंकल विद सेसमी सीड। आप कह सकते हैं इट्स अ कोरियन टेक ऑन सुशी। द क्वांटिटी इज प्रीटी गुड, प्राइस्ड एट 390। गिम्बाप आल्सो रोमनाइज्ड एज किम्बाप, सुशी की तरह होती है बट रॉ फिश या फिर मीट यहाँ पे यूज नहीं होती। सुशी राइस विनेगर में सीजन होती है और किम्बाप सेसमी ऑयल में, एंड किम्बाप में आप कुछ भी दे सकते हैं लाइक एग, हैम, चीज, किमची एक्सेट्रा। वेयर एज सुशी एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश होती है जापान की एंड यहाँ पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होती है। ओवरऑल आई लाइक्ड इट, नॉट द बेस्ट दो बट काफी फिलिंग थी।
लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर मैंने किया है किंग्स बेकरी की फेमस बेकरी आइटम्स क्रेप केक और शू पेस्ट्री विद गनाश। क्रेप केक, इमेजिन सम थिन नाइस क्रेप एक के ऊपर एक व्हिप क्रीम बीच में और सर्व किया जाता है चिल्ड। गाइज, आई मस्ट टेल यू वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन किंग्स बेकरी शू विद गनाश। ये एक छोटी सी पेस्ट्री, फ्रेंच पेस्ट्री है, ऊपर चॉकलेट सॉस और अंदर फिलिंग में चॉकलेट गनाश है। ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी है, मैं इसको 10 out of 10 दूंगी, जरूर ट्राई करें। मेरे लिए किंग्स बेकरी की बेकरी आइटम ज्यादा इंटरेस्टिंग रही रेदर देन द फूड। फूड मैं खराब नहीं बोलूंगी, बट आई फील द बेकरी आइटम स्टैंड्स आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किंग्स बेकरी एक बहुत ही अच्छी जगह है, बट मैं बोल देती हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल भी दी हूँ कि यहाँ की बेकरी आइटम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको वहाँ से ऑन द गो कुछ सामान लेना है, बेकरी आइटम्स या ब्रेड्स, आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उनके कोरियन ब्रेड्स एंड उनके पेस्ट्रीज इज टू डाई फॉर। बिकॉज ऐसे सारे आइटम्स आपको नॉर्मली इन जनरल कैफेज में नहीं दिखेंगी, इसीलिए मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ उनके बेकरी आइटम्स। सो अगर इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी आपको जाननी होगी तो आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।